फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तीन इश्यूज आज हमें फंडामेंटली कवर करने हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें कवर करना है, दूसरा हमें हेट स्पीच कवर करना है, और तीसरा हमें RTI कवर करना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इन तीनों को कवर कर लेने के बाद थोड़ा बहुत बेसिक्स मैं आपको आर्टिकल 20 का बता दूंगा। वेलकम ऑन टू दी आर्टिकल 21 देन। नहीं, 20 बता दूंगा। 20 में कोई इश्यूज हमें ज्यादा नहीं देखने, बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दूंगा। आप लोगों को वैसे भी पता ही होते हैं, तीन ही होते हैं, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, और इसके अलावा डबल जियोपार्डी, और इसके आप अपने मतलब किसी लॉ के ब्रीच होने पर ही आपको पनिश किया जाएगा। ये तीन प्रोविजंस है, वो मैं आपको बता दूंगा, उतना ही काम का है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, वही प्रेस के लिए भी अवेलेबल है, तो कोई स्पेसिफिकेशन इसके लिए नहीं है। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। ब्रिजभूषण केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पेसिफाई किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो मतलब जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है, तो ये एक्चुअली में कोई अंतरात्मा से कही गई बात नहीं है। इसे ब्रिजभूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है, और वही बात हम यहां पे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रेस के ऊपर कोई ना तो सेंसरशिप होगी और ना ही प्री सेंसरशिप होगी। सेंसरशिप होने का मतलब है कि आप रोको, चेक करो कि क्या पब्लिश होना है, क्या पब्लिश नहीं होना है। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि कुछ भी पब्लिश करने से पहले आप उन्हें बताओ कि ये चीज हम पब्लिश करने जा रहे हैं, करें या ना करें। सिंपल सा मतलब यह है कि मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, सीधी बात, जो कि पहले हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब कोलोनियल रूल हुआ करता था तो मीडिया को हाईली कंट्रोल रखा जाता था, क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद आप इमरजेंसी का टाइम पीरियड देखो तो वहां पे भी मीडिया को हाईली कंट्रोल किया गया, व्हाट मीडिया कैन शो एंड व्हाट दे कैन नॉट शो। तो मीडिया के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाना दुनिया में किसी भी जगह पे बुरा माना जाता है, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि होना चाहिए। स्पेसिफिकली जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि मीडिया के ऊपर कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए, बिकॉज मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी वो हाईली नेगेटिव थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, बट इन जनरल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा माना जाता है मीडिया मस्ट बी फ्री, मीडिया फ्री होना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार को रोकने वाला कोई होता नहीं है। आप दो ही लोग तो हैं, अगर आप इंडिया में, पूरे इंडिया में देखो तो दो ही लोग हैं, दो ही एंटिटीज हैं जो एक्चुअली में गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। एक है जुडिशरी, प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखो तो, वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर और ये सब चलता रहता है बाकी, और दूसरा प्रेस है। यही दो हैं जो इन्हें एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं, और एक हिडन फोर्स है जो उनको कंट्रोल करती है, जिसके बारे में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आप ही उस चीज को समझ पाओगे, कोई और उसे समझ भी नहीं पाएगा। जो एक्चुअली में गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, वो हिडन फोर्स किस नाम से जानी जाती है? पब्लिक ओपिनियन। बहुत स्ट्रांग फोर्स है ये, एक्चुअली में सरकार इससे कंट्रोल होती है, पब्लिक ओपिनियन से। उनकी सारी जद्दोजहद इसीलिए चलती है कि पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में रहे, जहां पब्लिक ओपिनियन होता है वो काम वही करते हैं। तो एक हिडन ड्राइविंग फोर्स है जो एक्चुअली में गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, जो ना तो आपको दिखती है और ना ही PSIR के अलावा किसी और व्यक्ति को ये समझाओगे कि पब्लिक ओपिनियन कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो उन्हें समझ में आएगा, वो नहीं मानेंगे कि पब्लिक ओपिनियन कुछ नहीं होता, इसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रभाव। कुछ बोलते गवर्नमेंट को क्या मतलब है, आप क्या सोचते हो? अरे गवर्नमेंट को बहुत मतलब है आप क्या सोचते हो, गवर्नमेंट चल ही इसी बेसिस पे रही है कि आप क्या सोचते हो, इवन वो आपकी सोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने कई सारी थ्योरीज भी इस रेफरेंस में पढ़ी हैं, हेजेमनी की थ्योरीज आपने पढ़ी हुई हैं कि कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, स्टेट कंट्रोल करता है आपके माइंड्स को। खैर, तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेड कंट्रोल ही इंपोज होते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर लेती है थोड़ा बहुत, पब्लिक ओपिनियन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है बाय द मीडिया। लेकिन अगर मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लग जाए तो मामला हो जाता है खत्म, इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस का जो केस था, यहां पे क्लैरिफाई किया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, इसमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट है, प्रिंट पब्लिश और सर्कुलेट करने का राइट है, मतलब जो मीडिया हाउसेस हैं उनके पास अधिकार है, राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी नहीं तो वो देंगे कैसे लोगों को, और जो इंफॉर्मेशन उसके पास, उनके पास है, वो उसे प्रिंट करेंगे, पब्लिश करेंगे और सर्कुलेट करेंगे, ये उनका राइट है, आप उसे रोक नहीं सकते।
पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो कुछ हो रहा है, अगर उन्हें कोई बताएगा ही नहीं कुछ, तो वो कैसे पब्लिश करेंगे? इसीलिए देखिए, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो प्रेस मीटिंग की जाती है, उसके बाद वो मीडिया हाउसेस से मिलते हैं, उस मीटिंग में क्या हेडलाइंस रही, क्या इंपॉर्टेंट बातें रही, उन्हें पब्लिश किया जाता है। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके मीडिया हाउसेस को दे दिया जाता है, देखो हमने ये बोला है, जाओ लोगों को बता दो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मीडिया हाउस को दी जाती है, ये उनका राइट है, ये उनसे नहीं छीना जा सकता, क्योंकि अगर मीडिया हाउस को नहीं मिलेगी जानकारी तो वो जानकारी आप तक आएगी नहीं। मीडिया हाउसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। हम कहते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बनता कैसे है? मीडिया के थ्रू बनता है। पब्लिक ओपिनियन बनेगा, और वो पब्लिक ओपिनियन सही हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके बैकग्राउंड में राइट इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सही पब्लिक ओपिनियन फ्रेम नहीं करेंगे। आपको जो बताया जाता है आप उसी के बेसिस पे अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ ओपिनियन। सो इंफॉर्मेशन मस्ट बी राइट एंड मस्ट बी फेयर। इफ इट्स नॉट फेयर, इफ इट्स नॉट राइट, योर ओपिनियन विल नॉट बी फेयर, विल नॉट बी राइट, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। सिंपल सी बात यह है, अगर आपको मीडिया हाउसेस ये बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो आपका एक ओपिनियन बन जाता है कि पाकिस्तान मस्ट नॉट बी ऑन द टेबल ऑफ कन्वर्सेशन विद इंडिया बिकॉज इट्स नॉट गुड। और आपने जब ये सेंटिमेंट क्रिएट कर लिया ना कि हाँ पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए किसी भी फ्रंट पे, जस्ट बिकॉज मीडिया हाउसेस ने आपको ये बताया, तो उसके बाद क्या होता है, सरकार पब्लिक ओपिनियन पे काम करती है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। क्यों होगी? कोई सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं करना चाहेगी? क्यों करेगी सरकार जब आप चाहती नहीं हो बात हो? तो सरकार पाकिस्तान से तभी बात करेगी जब आप चाहोगे, और आप तब चाहोगे जब आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी। तो मीडिया हाउसेस एक्चुअली में आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, और आपका माइंड ओपिनियन जनरेट करता है, और आपका ओपिनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो देखो तो मीडिया हाउस कर क्या रहा है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी वो एक्चुअली में ये डिसाइड कर रहे हैं। अब इस साइकिल में पीछे से गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर रही होती है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही होती है, पूरी साइकिल उनके हाथ में होती है। अभी तो अगर मीडिया फ्री ना हो तो गवर्नमेंट खुद ही खुद को कंट्रोल कर रही होती है, उन्हें जो चाहिए वो उसका पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर देंगे। खैर, अभी तो हम ये कर रहे, पहले सर ये सीट भी एलोकेट करवाते थे। किसमें? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? हाँ हाँ, मतलब जो नॉमिनेशन होता है उसमें। ओके, इन सब में भी ना, राज्यसभा में, तो मतलब इनके पास काफी राइट्स, इन्होंने काफी इफेक्टिवली अपनी पावर्स का यूज भी किया है। देखिए, मीडिया हाउसेस के पास जानकारी होगी तो वो जानकारी आप तक पहुंचेगी, वो जानकारी उन्हें मिले, इसके लिए आर्टिकल 361A ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में। यहां पे कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई कि एक्चुअली में पार्लियामेंट की कौन सी जानकारी उन्हें मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यह था कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की कौन सी जानकारी को प्रोटेक्ट करना है। तो जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हैं उनके पब्लिकेशन को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से यह अमेंडमेंट आया था। इसमें यह बिल्कुल साफ किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो इन प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर रहा है उससे सिविल या क्रिमिनल केस फेस नहीं करना पड़ेगा अगर उसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है वो सही है। तो पार्लियामेंट में जो कहा गया है वो वही बात कह रहा है, तो उसे कोई केस फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके पास पार्लियामेंट में कही गई या प्रोसीडिंग्स की कोई भी जानकारी पब्लिश करने का राइट होगा, अनलेस, कुछ कंडीशंस में नहीं होगा। वो जो पब्लिश कर रहा है वो मलाइज हो, गलत हो, तो पब्लिश नहीं कर सकते आप, गलत जानकारी थोड़ी पब्लिश करोगे। दूसरा, वो कोई सीक्रेट सिटिंग ना हो। भाई पार्लियामेंट की सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, पार्लियामेंटेरियंस को कोई जरूरी बात करनी हो सकती है, अब आप वो जाके पब्लिश कर दोगे, ऐसा आप नहीं करोगे। हर जानकारी लोगों के लिए नहीं होती, हर जानकारी लोगों के लिए नहीं होती। जैसे कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब टेंशन होती हैं तो सरकार बताती ही नहीं है। इस बार भी आरोप लगाया गया कि टेंशन काफी लंबे समय से चल रही थी लेकिन सरकार ने हमें नहीं बताया, हमसे छुपाया। 9 तारीख को ये पूरा मामला हो गया और हम तक जानकारी आई 12 को, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में काफी क्वेश्चंस रेज किए गए कि सरकार जानकारी छुपा क्यों रही है। सरकार की मजबूरी है छुपाना, कारण यह है पब्लिक ओपिनियन बन जाता है अगेंस्ट। अब मान लीजिए झड़प हो गई, ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहेगी कि बातचीत कर लें, क्योंकि लड़ना अभी हम चाहते नहीं है, गवर्नमेंट बातचीत करना चाहेगी। लेकिन एक बार अगर जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई और आपको 4 पिक्चर्स दिख गई जिसमें हमारे सोल्जर्स जो हैं वो घायल दिख गए, तो मामला खत्म,
उसके बाद चाइना से कोई बातचीत नहीं होगी, और अगर वो बातचीत करके मामला रिजॉल्व करना भी चाहते हैं तो आप करने नहीं दोगे, इसीलिए वो जानकारी छुपाते हैं ताकि बैक टेबल बातचीत हो सके। और अभी तक आपकी जानकारी में बात आई नहीं है तो वो पीछे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी जानकारी में बात आ गई और आपने बोला कि चाइना के साथ बातचीत नहीं होगी, और उसके बाद भी अगर इन्होंने बैकग्राउंड में बैक टेबल पर जाकर बातचीत करी और अब तक जानकारी आ गई, तब 24 तो गया। इसलिए जानकारी सारी आप तक नहीं आने दी जाती, क्योंकि आपकी जानकारी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेगी और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से सरकार को काम करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए तीन चीजें फंडामेंटली हैं, इसके अलावा नहीं, मतलब कुछ सब्सटेंशियल नहीं आया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हमारे यहां तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, चाइना में तो कुछ भी नहीं जाता, उनके यहां तो खबर ही नहीं लगती कि हुआ क्या है। उनके हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है और चाइना इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है, और धीमे धीमे चाइना इंडिया ऑक्यूपाई कर लेगा, उनके यहां यही चल रहा है। वो यहां आके पिटके भी जाते हैं ये उनको नहीं पता चलता, उनके सोल्जर्स मारे भी जाते हैं ये भी उन तक नहीं पहुंचता, ये तो गलत है, ये गलत है। सोल्जर्स मारे जाते हैं ये कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए, आप किसी का सेक्रीफाइस क्यों दबा दोगे? सोल्जर्स कहीं क्यों वो तो वीडियो पुरानी है, जो अभी पब्लिक डोमेन में आई थी वो पुरानी वीडियो थी। तो देखिए तीन बेसिस पर फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलती है। एक तो सभी जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मीडिया के पास पब्लिकेशन की फ्रीडम है और उनके पास सर्कुलेशन की फ्रीडम है, उनके पास जो जानकारी है वो उसे सर्कुलेट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है। मीडिया के ऊपर स्कॉलर्स के अपने अपने व्यूज हैं, व्यूज बड़े बढ़िया हैं। पुलित्जर एथिक्स एंड मीडिया में यह कहा गया है कि बिना हायर इथिकल स्टैंडर्ड के जो मीडिया है वो ना केवल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देगा बल्कि एक डेंजरस एंटिटी बन जाएगा। मतलब मीडिया के पास एथिकल स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए, ये एक प्री कंडीशन है, एथिकल स्टैंडर्ड्स। पुलित्जर प्राइज भी दिए जाते हैं ना जर्नलिस्ट को, जो बढ़िया काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों की वॉइस को रेस करते हैं, तो उसी ड्यूरेशन में दानिश सिद्दीकी को, हाँ उनके ऊपर तो एक कोई मिसाइल आकर गिरी थी ना उनके व्हीकल के ऊपर, जिस व्हीकल से वो जा रहे थे। बहुत डेंजरस होती है रिपोर्टिंग, मतलब अगर आप किसी वॉर प्रोन एरिया में जा रहे हो, किसी एक्सट्रीमिज्म के एरिया में जा रहे हो, बहुत करेज चाहिए। लोग वहां से आसपास गुजरना भी पसंद नहीं करते, केवल सिक्योरिटी पर्सनल ही वहां जाना चाहते हैं, एक सिविलियन वहां नहीं जाना चाहता। रिपोर्टर्स ही होते हैं जो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाते हैं और चले जाते हैं। और अक्सर ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो भी उनको टारगेट नहीं करते, स्पेशली जो टेरर ग्रुप्स होते हैं वो मीडिया हाउसेस को टारगेट नहीं करते, उनका टारगेट मीडिया हाउस नहीं होता, वो तो उनको साइड में खड़ा कर देते हैं, बिकॉज उनका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है ना टेरर फैलाने का, उसके लिए जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो, और उनको पता होता है कि ये पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा, तो इसलिए फिर वो उसको टारगेट भी नहीं करते हैं। अभी एक श्रीलंका में जो एक बुक पब्लिश हुई थी जिसे रिवॉर्ड भी किया गया ना, सेवन मून्स, वो भी तो एक जर्नलिस्ट की स्टोरी है, वो इमेजिनेशन फैंटेसी है फंडामेंटली, वो जिसमें वो बताते हैं कि एक जर्नलिस्ट कैसे रिकॉर्ड करता है श्रीलंका के सिविल वॉर को, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो मार दिया जाता है। तो जब वो मार दिया जाता है तो उसमें मतलब बहुत अच्छी है, सोचो तो कितनी बढ़िया से स्टोरी उन्होंने बताई हुई है। जब वो मार दिया जाता है तो उसने जो भी रिकॉर्ड किया था वहां के सिविल वॉर को एज ए जर्नलिस्ट, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसकी सारा डेटा सारी पिक्चर्स एक जगह पे रखे हुए हैं, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर वो उसे पब्लिक डोमेन में ना लेकर जाए, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि सिविल वॉर में एक्चुअली में क्या हुआ है। तब उसे गॉड की तरफ से 7 दिनों का समय मिलता है, 7 मून्स यानी कि 7 नाइट्स, कि 7 दिन का टाइम है, जाओ इसे पब्लिक डोमेन में स्प्रेड कर लो, और कैसे मरे हो ये पता कर लो। वो मरा कैसे था उसको पता नहीं था, तो वो किससे मिलता है, एक बॉम्बर से मिलता है जो विस्फोट करके जिसने अटैक किया होता है वो मर गई होती है, कुछ प्रोफेसर जो मरे होते हैं उनसे मिलता है, तो वो डेड लोगों से जो उसकी मुलाकात बातचीत है उसमें एक्चुअली उसने श्रीलंका के सिविल वॉर को डिपेक्ट किया है, और वो कैसे 7 दिनों के भीतर 7 मून्स के भीतर अपनी जानकारी पब्लिक डोमेन में लेके जाता है। तो इसी पे पूरी एक जर्नलिस्ट की पूरी स्टोरी है उसमें,
तो मतलब ये जो वॉर वाले एरियाज होते हैं वहां पर उनका जाना बड़ा टफ होता है। नेहरू जी का ये कहना है कि वो फ्री प्रेस को सपोर्ट करेंगे, फ्री प्रेस के साथ जो भी डेंजर्स इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जो फ्रीडम का रॉन्ग यूज होता है उसके साथ भी वो फ्री प्रेस को सपोर्ट करेंगे, रेदर देन कि वो उसे रिप्रेस करें या प्रेस को रेगुलेट करें। ठीक है, फ्री प्रेस के साथ अपनी कुछ दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके फायदे उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो जो दिक्कतें हैं वो उसके साथ भी फ्री प्रेस को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा थॉमस जेफरसन का एक स्टेटमेंट है कि ये एक फ्री प्रेस को प्रेफर करेंगे बिना गवर्नमेंट के, रेदर देन एक गवर्नमेंट बिना फ्री प्रेस के हो। मतलब गवर्नमेंट ना हो चलेगा, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हो और प्रेस की फ्रीडम ना हो। इनके स्टेटमेंट बड़े अट्रैक्टिव टाइप के रहते हैं, मतलब ऐसे जो याद हो जाए एक बार में, तो इनका स्टेटमेंट आप याद भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो, दैट आई वुड प्रेफर फ्री प्रेस विदाउट गवर्नमेंट रेदर गवर्नमेंट विदाउट फ्री प्रेस। गवर्नमेंट नहीं हो चलेगा लेकिन प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। नेहरू जी वाला बड़ा सीधा सा स्टेटमेंट है कि मीडिया वाले बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं, हेड स्पीच फैला देते हैं, वो चाहे जितनी गड़बड़ी करते हैं लेकिन फिर भी वो प्रेस की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कभी दबाएंगे नहीं, उनको कभी रेगुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम जरूरी है और उनके जो साइड इफेक्ट्स है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन उन साइड इफेक्ट्स के बावजूद वो दवाइयां इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो प्रेस की फ्रीडम है वो वैसी ही दवा है, मतलब प्रेस की फ्रीडम होनी ही चाहिए चाहे उसके कितने ही साइड इफेक्ट्स क्यों ना हो। अभी कल मैं एक दवा के बारे में डिस्कस कर रहा था जो अल्जाइमर के लिए है, उसके ट्रायल में दो लोग मरे हैं और उसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कई बार, तो जिन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अलावा कोई दवा है ही नहीं जो इतना इफेक्टिव रिजल्ट देती हो। 26% उसने अल्जाइमर के इफेक्ट्स को कम कर दिया उसके बावजूद, मतलब वो बता रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन फिर भी हमें इसका अप्रूवल चाहिए। तो कुछ दवाइयां जरूरी होती हैं भले उनके साइड इफेक्ट्स हों, तो फ्री प्रेस वैसे ही जरूरी है भले इसके साइड इफेक्ट्स भले ही हैं लेकिन जरूरी है ये। राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है कि फ्रीडम जो मीडिया की है वो आर्टिकल ऑफ फेथ है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में सैंक्टिफाई किया गया है, ये इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैन नॉट बी डिनाइड, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये इंडिस्पेंसिबल है, मतलब वो भी फ्री प्रेस को एडवोकेट करते हैं, हालांकि इनकी माता जी तो नहीं करती थी लेकिन ये करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ये बोलते हैं कि प्रेस की फ्रीडम के लिए कोई स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और प्रेस की फ्रीडम सेम है, इट्स नो डिफरेंट, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है ये क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं करती डायरेक्टली, पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स फंड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी फंड करेगी तो क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे, पॉलिटिकल इंडिविजुअल फंड करते हैं। एक कोई बहुत प्रोमिनेंट पर्सन होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होगा और उसके स्टेक्स होंगे किसी मीडिया हाउस में, एनडीटीवी में किसके स्टेक्स हैं? अडानी पॉलिटिकल इंडिविजुअल है, हाँ कॉर्पोरेट्स का होता है और कॉर्पोरेट्स कनेक्टेड होते हैं पॉलिटिशियंस से, तो अडानी के स्टेक्स को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अडानी खाली मीडिया हाउस में नहीं है, अडानी लगभग हर चीज में है, कोई ऐसी चीज नहीं जो बना और बेच नहीं रहे हैं, तो वो तो हर जगह है, उनका क्या करें। लेकिन मीडिया हाउसेस में जब जाते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी आती है अडानी की, तो अभी सब अलग अलग लोग हैं। आपने जर्नलिज्म किया हुआ है क्या? अच्छा, कौन सा कोर्स किया है आपने जर्नलिज्म का? सर मेरे तो मास कम्युनिकेशन था, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जो फील्ड थी वो होती है एंकरिंग की। तो आपने कहाँ पे किया था अपना ये इंटर्नशिप? सर मैंने तीन न्यू तो रेंट में किया था, कोई सुदर्शन न्यूज़ चैनल था। अच्छा, उसमें भी किया था। ऐसा होता है अगर हर चैनल एक आइडियोलॉजी पे काम करता है या एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ दोगे वो पब्लिश नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, बहुत प्रेशर होता है। सुदर्शन, ठीक है, गलत जगह चले गए थे आप, एनडीटीवी में जाना चाहिए था आपको अगर आपको ऐसी न्यूज पब्लिश करनी थी तो। ठीक है, ऑफिस के एंट्री के सामने ही वो पूजा करते हैं। ओके चलिए,
फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कई सारी डिबेट्स हैं। सर ये क्वेश्चन था कि जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, अगर आर्टिकल कैसे वहाँ पे प्रेस का सिचुएशन उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सर हमारे में जो ब्रिजभूषण वाला केस हुआ था वो सर शायद यूएस के फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आया था, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, तो वो सब पॉइंट मेंशन कर सकते हैं राइट टू प्रेस। देखिए किसी के साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स में ही कंपेयर करिएगा, आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, ज्यादा वर्ड्स भी नहीं रहेंगे कंपैरिजन करने के लिए, बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। अब देखिए प्रेस की फ्रीडम के साथ कुछ कंसर्न है, येलो जर्नलिज्म आप इसको हर दिन देखते हैं, न्यूज को ग्लोरीफाई या रोमांटिसाइज करना, यूक्रेन वॉर का आपने रिपोर्टिंग देखा होगा, रॉकेट पे बैठ के, फाइटर जेट पे बैठ के, टैंक पे बैठ के रिपोर्टिंग करी है इन लोगों ने, तो ग्लोरिफिकेशन और रोमांटिसाइजेशन जो इन लोगों ने किया है न्यूज का, इसका इसने न्यूज क्या है ना वो गायब हो जाती है एक्चुअली में, आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसेंस गायब हो जाता है। जबकि देखिए अगर आप वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हो, वॉर रिपोर्टिंग बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, आपको बड़ा सेंसिटिविटी के साथ वॉर रिपोर्टिंग करनी होती है, लोग मारे जाते हैं, लोग बेघर होते हैं, लेकिन यहां पे वॉर रिपोर्टिंग ऐसे की जाती है कि उसे ये लोग एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग वॉर रिपोर्टिंग को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं, लोग एक ही जानकारी चार चैनल पर बदल बदल के देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज चार लोग उसे अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं रोमांटिसाइज करके, उनको आप कॉन्टेंट में इंटरेस्ट नहीं है, कौन कैसे दिखा रहा है इसमें इंटरेस्ट आ गया है, तो मीडिया जो है वो एडवर्टीजमेंट पर रिलाई करती है मेजरली, एडवर्टीजमेंट तब मिलेंगे जब उनके पास व्यूअर बेस होगा, व्यूअर बेस उनके पास तब होगा जब वो न्यूज एंटरटेनिंग पब्लिश करेंगे, और एंटरटेनमेंट के चक्कर में वो कई बार किसी भी मामले को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं, जबकि वो मामला बहुत सिंपल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मतलब एक कॉमन व्यक्ति तभी उस न्यूज को देख पाएगा, इसके जरिए वो ज्यादा ऑडियंस होल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये प्रेजेंट में मीडिया हाउसेस की प्रॉब्लम है, येलो जर्नलिज्म इसे कहा जाता है, जहां पे पूरे जर्नलिज्म को ही बर्बाद कर दिया गया है, ये प्रेजेंट में बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है। दूसरा, मीडिया हाउसेस का कुछ एक लोगों के हाथों में हो जाना, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डेटा आता है लीड्स का और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, ये कुछ एंटिटीज हैं जो मीडिया की एंटिटी जो इंडिपेंडेंस है उसको इवेल्युएट करते हैं, इनका यह कहना है कि कंट्रोल कुछ ही लोगों के पास है इंडिया में, जो भी मीडिया हाउसेस रन कर रहे हैं, ज्यादातर इंडिया के मीडिया हाउसेस को पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग कंट्रोल करते हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ना कोई लिंक है, वो पैसे वाले लोग हैं, उनके इन्वेस्टमेंट है मीडिया हाउसेस में, और यही कारण है कि वो जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो मीडिया हाउस उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे वर्क करता है। इंडिपेंडेंस गायब हो चुकी है, स्थिति यह आ गई है कि हम और आप मीडिया हाउसेस से इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल होने की उम्मीद ही करना छोड़ चुके हैं। आप फिंगर पॉइंट पे बता सकते हो कि कौन सी मीडिया हाउस की आइडियोलॉजी क्या है और कौन सी क्या न्यूज पब्लिश करेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल मीडिया, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रिंट मीडिया। द हिंदू क्या पब्लिश करेगा, इंडियन एक्सप्रेस क्या पब्लिश करेगा, दैनिक क्या पब्लिश करेगा, जनसत्ता क्या पब्लिश करेगा, यू नो वेरी वेल, आपको उनके जो एडिटर्स हैं, उनके जो कॉलमिस्ट हैं, उनका नेचर पता है। तो ये तो स्थिति आ गई है मीडिया हाउसेस की कि आप न्यूट्रल मीडिया रिपोर्टिंग की उम्मीद ही करना छोड़ चुके हैं, यह स्थिति बहुत खराब है। शीडो स्क्राइब्स या फिर ऑथर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले होते थे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो मुद्दों को एनालाइज करते थे, उनके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते थे, और वो फिर एडिटर्स जो होते थे वो आर्टिकल्स लिखते थे और वो आर्टिकल्स आप तक आते थे, प्रॉपर एनालिसिस आता था। आज ये लोग चुनते हैं कि कौन सा व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है जिसके नाम से आर्टिकल्स पढ़े जाएंगे और वो उन्हें आर्टिकल्स लिखने को दे देते हैं। पहले राइटर्स अपने इश्यूज पिक करते थे, जिसके वो एक्सपर्ट होते थे, वो उसे एनालाइज करके दे देते थे। आज ऑथर्स पिक किए जाते हैं और उनको कोई भी इश्यू दे दिया जाता है, कहा जाता है आप कमेंट कर दो इस पे, और वो कमेंट करके दे देते हैं अपने हिसाब से जो उनकी आइडियोलॉजी है, और वो आपके सामने परोस दिया जाता है और आप उसको पढ़ लेते हो। ये प्रॉब्लम्स अभी मीडिया हाउसेस में चल रही हैं। इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी तो ऑफकोर्स बड़े इश्यूज हैं। हेट स्पीच की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पे प्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ऐसी न्यूज को या तो रिप्रेजेंट करते हैं या गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे एक कम्युनल सेंस ऑफ निगेटिविटी क्रिएट होती है, लोग निगेटिव हो जाते हैं सर्टेन कम्युनिटी को लेकर। तो ये तो अभी कुछ सर्टेन इश्यूज हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर, दीज आर दी इश्यूज। मीडिया को भारत में रेगुलेट कैसे किया जाता है, मतलब वो लोग ऑथर हैं जो एक्चुअली में ऑथर नहीं है,
कॉलम लिखने वाले वो लोग हैं जिनको कॉलम लिखने की एक्सपर्टीज ही नहीं है, जिनको इश्यूज की समझ ही नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति से इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करवा रहे हो जिसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से एक कम्युनल इशू के ऊपर कमेंट करवा रहे हो जिसको कम्युनिज्म के फंडामेंटल्स भी नहीं पता, वो एक पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन है। आप उससे कम्युनिज्म के ऊपर आर्टिकल लिखवा के और पब्लिश करवा रहे हो, वो क्या लिखेगा? वो तो जनरल डायमेंशन डिवाइड कर देगा, हिंदू मुसलमान कर देगा और लिख देगा, और फिर पढ़ो। जिसको कम्युनलिज्म के फंडामेंटल्स पता हो, डायनेमिक्स पता हो, वो कैसे काम करता है, उसमें चैनलाइजिंग फैक्टर्स क्या है, तब तो वो इंसिडेंट को इवेल्युएट करेगा ना सर्टेन पैरामीटर्स पे। वो एक्सपर्ट है ही नहीं जो कम्युनलिज्म के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है। बहुत ही कॉमन बता रहा हूं, कम्युनलिज्म के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले ज्यादातर लोग कम्युनलिज्म के टॉपिक के एक्सपर्ट नहीं होते। भरोसा करिए, टॉपिक पढ़ने के बाद आप उनसे ज्यादा जानते हैं कम्युनलिज्म के बारे में। आपके पास स्कॉलर्स के ओपिनियन है, कम्युनिज्म का ट्रेंड है, वो कैसे ग्रेड अप होता है, कैसे वर्क करता है, आपको ज्यादा पता है कॉलम्स लिखने वाले लोगों से। आप लिखोगे ज्यादा अच्छा लिख दोगे, ज्यादा न्यूट्रल लिख दोगे। वो लिख रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और उनके कॉलम सबको पढ़ाए जा रहे हैं। ये हैं स्यूडो ऑथर या स्यूडो स्क्राइब्स, जिनको जानकारी नहीं है टॉपिक की, दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं। ठीक है, मीडिया के ऊपर इन जनरल सेल्फ रेगुलेशन होता है। मीडिया को गवर्नमेंट रेगुलेट करे अच्छा नहीं माना जाता कहीं पर भी, तो मीडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद ही खुद को रेगुलेट करेंगे, या जो बॉडीज उनको रेगुलेट करती हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं होती, वो न्यूट्रल बॉडीज होती हैं। तो कुछ एक बॉडीज हैं जो मीडिया हाउसेस या पब्लिशिंग हाउसेस को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NBSA। ये मीडिया हाउसेस को रेगुलेट करती है, उन्हें वॉर्न करती है, एडमोनिश करती है, चेतावनी देती है, सेंसर लगाती है, डिसअप्रूवल दे देती है, इवन फाइन भी इंपोज कर सकते हैं 1,00,000 तक का अगर कोर्स वायलेट होते हैं। इनके कुछ सर्टेन कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके ही किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इन्होंने न्यूज को ब्रॉडकास्ट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे भी काम करती है। मतलब इसमें मेजरली उन्हीं के मेंबर्स होते हैं जो इस बॉडी को बनाते हैं, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली में न्यूज करंट अफेयर्स और जो डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनकी एक कलेक्टिव वॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है, और वो मीडिया हाउसेस जो इसका हिस्सा है उन्हें ही ये रेगुलेट करता है। अब इस पर भी देखिए क्वेश्चन रेज होता है ना, मतलब ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में नहीं है। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि आप खुद ही खुद को जज नहीं करोगे, यू कैन नॉट जज योर सेल्फ। लेकिन ये क्या है, जो NBSA है ये एक्चुअली में खुद को ही जज करते हैं। प्राइवेट मीडिया हाउसेस का ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट है, इन्होंने ही स्टैंडर्ड बनाए हैं कि मीडिया हाउस कैसे काम करेगा, और मीडिया हाउस गड़बड़ी कर रहा है उन स्टैंडर्ड्स पे कि नहीं ये खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ये ग्रुप है उन लोगों का जो एक्चुअली में खुद को ही जज कर रहे हैं। तो इसको इसी बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि मीडिया हाउसेस जब सेल्फ रेगुलेशंस में आते हैं तो वो खुद ही रेगुलेट होते हैं और उनके ऊपर कोई चेक नहीं होता। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, PCI के पास पावर होती है कि ये कंप्लेंट्स को रिसीव कर लेता है अगर जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म है उसके एथिक्स को वायलेट किया जाता है या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, एडिटर्स या जर्नलिस्ट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन जाती है तो उसे यही एड्रेस करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये फिल्म्स के लिए होता है, फिल्म्स की जो स्क्रीनिंग की जा रही है, इवन जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, टेलीविजन शोज होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो थिएटर्स में दिखाए जाते हैं या टेलीविजन के चले टेलीविजन के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं, वो उनका क्या लेवल होगा उन्हें सर्टिफाई करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स को भी। तो ये बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो मीडिया को रेगुलेट करती हैं। मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट सेंसरशिप नहीं होती, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट नहीं करती। हाँ, चेक्स होंगे, कुछ कंट्रोल तो होगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो जरूरी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कुछ रेगुलेशंस हैं, सेक्शन 69(1) का इस्तेमाल किया जाता है IT एक्ट ऑफ 2000 का, जहां पे ये कहा गया है कि उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में स्प्रेड की जा रही है अगर वो कंट्री की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है, इंटीग्रिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, या हमारा किसी दूसरे देश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है ये इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस प्रकार के, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंसाइटमेंट कमिट कर रहे हैं ऑफेंसेस के लिए जो कॉग्निजिबल ऑफेंस हैं, तो फिर इनको चेक किया जाएगा, इनको रोका जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन अलाउ कर दिया जाता है। फिर आता है सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट,
यहां पर एक्चुअली में ये रिलैक्सेशन है मीडिया हाउसेस के लिए, इनफैक्ट सोशल मीडिया के लिए। यहां पे कहा गया है कि जो इंटरमीडियरी होगा वो लायबल नहीं होगा, किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेट किया जा रहा है या वो इंफॉर्मेशन जो वो होस्ट कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब समझ में आया? Yes, कुछ लोगों ने तो समझ ही लिया होगा, क्या है मतलब बताओ आप? जैसे कि मैंने अगर फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, फेसबुक लायबल नहीं है। आप लायबल हो, एग्जैक्टली यही है। तो इसमें इंटरमीडियरी कौन है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दोज आर इंटरमीडियरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी की जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो पर्सन जिसने वो इंफॉर्मेशन वहां पर रखी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फेसबुक पे जो आप पोस्ट करते हो उसके लिए फेसबुक को स्यू नहीं किया जाएगा, आप सू किए जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। ओपन प्लेटफॉर्म है ना, ओपन एंडेड है, वो सबको थोड़ी कंट्रोल कर सकता है, वो उसने तो मीडियम दिया है केवल आपको बात स्प्रेड करने का। अभी तो देखिए व्हाट्सएप एक नया फीचर भी ऐड करने की प्लानिंग में है, वन टाइम व्यू ऑफ मैसेजेस। अभी तक वन टाइम व्यू आपके लिए फोटोज एंड वीडियोज में अवेलेबल है ना, कि आपको एक फोटो भेजोगे उसको वो केवल एक बार देख के सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद से ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैसेजेस में ऐसा नहीं होता, अब मैसेजेस भी ऐसे ही हो जाएंगे कि आप जो मैसेज भेजोगे वो एक बार देखने के बाद खत्म हो जाएगा। तो इससे जो हेट स्पीच है वो स्प्रेड नहीं होगी, या फिर जो फेक न्यूज स्प्रेड होती है वो नहीं होती। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं आपको कोई जानकारी देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शेयर यू समथिंग, मुझे श्योर नहीं है कि वो जानकारी सही है या गलत है, बट वो इंटरेस्टिंग है, वो अच्छी लग रही है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे वो जानकारी पढ़ के मजा आया है और मैं चाहता हूं कि वो मजा आप भी लें, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप उसको 10 लोगों को और शेयर कर दें और वो एक मिस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में स्प्रेड होती रहे, मैं तो बस चाहता हूं कि बस ठीक है आप भी देख लो, तो मैं उसे वन टाइम व्यूइंग के फॉर्म में आपके पास भेज दूंगा। आप उसको देख तो लोगे लेकिन स्प्रेड नहीं कर पाओगे, खुद आनंद लो, बाकी लोगों के आनंद के चक्कर में मत पड़ो, बस बात वहीं पे खत्म। तो इसका फायदा हो जाएगा ना, हेट स्पीच स्प्रेड नहीं होगी, फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होगी, तो ये फायदा हो जाएगा। बाकी इंटरमीडिएट वाला समझ में आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहां पर आप जो कुछ भी लिखते या कहते हैं वो आपकी अपनी बात है, उनकी बात नहीं है, सो दे विल नॉट बी लायबल। हाँ, ये लोग अक्सर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मीडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप उस चीज को इवेल्युएट करें। सोशल मीडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, वो इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो। जब मीडिया हाउसेस वहां पर एक्सपर्ट बिठा रहा है, आप एक क्वालिफाइड पर्सन को मीडिया हाउसेस में लेकर आते हो, तो उसको कहिए ना वो जानकारी वेरीफाई करे, वो एक्सपर्ट है उस चीज का, वेरीफाई करके फिर पब्लिश करे। आप क्यों किसी के ऊपर थोप कर उसे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो? चलिए, 2019 में ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल आया है 2019 का, अभी विंटर सेशन चल रहा है ना। लास्ट वाला स्लाइड पर जो लास्ट पॉइंट है अभी सर, इसमें जो वो इंटरमीडिएट वाला जो गाइडलाइन आया था वो अभी डिस्कस करूंगा मैं, हाँ डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये तो जरूरी है ना, वो गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कैन नॉट बी मिस्ड, उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उस गाइडलाइन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे डिस्कस करूंगा। आंसर लिख रहे हो आप? नहीं, किस में? आंसर में? इन जनरल नहीं होता एक्चुअली में, मीडिया के ऊपर कौन सा कंट्रोल ही है? अगर वो कुछ लिख भी दें तो आर्टिकल 19 के एम्बिट में वो फ्री है लिखने के लिए, उसमें तो कोई कंट्रोल की बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी उनके पास कुछ कोड ऑफ एथिक्स है कि वो राइटर क्या लिख सकता है, वो राइटर लिख के देगा, ऐसा थोड़ी है कि वो प्रिंटिंग वाले को दे रहा है कि मतलब उसने सीधा प्रिंटिंग वाले को मेल कर दिया, उसने उसको लिया और प्रिंट कर दिया, ऐसे तो होता नहीं है। वो मेल करता है आपके ऑफिस में, आप उसको पढ़ते हो, रिव्यू करते हो, फिर ना पब्लिश करते हो, तो देख लो यार क्या ऐसा लिखा है, कहीं आपके कोड ऑफ एथिक्स तो ब्रीच नहीं हो रहे हैं ना, ये जो NBSA वगैरह ने कोड ऑफ एथिक्स बना रखा है, तो वो आप देख लो, उसके हिसाब से हो तो पब्लिश कर दो, थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी हो तो पब्लिश कर दो, चैनल होता है उसका, बाकी कोई कंट्रोल नहीं होता। सेम ही होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअली में एथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, कोड तो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, आप उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जब तैयार कर लेते हो कोड ऑफ एथिक्स बन जाता है, रूल्स बन जाते हैं।
ठीक है, ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2019, ये 2019 में बिल आया था, लेकिन इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इसका, और इसके बाद इस बार के विंटर सेशन में ये प्रपोज्ड है कि फिर से जो हाउस है उसमें रखा जाएगा। अभी तक इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई है, रखा गया कि नहीं रखा गया। 2022 के जुलाई में ये न्यूज आई थी कि हाँ, ये जो 2019 का ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल है, इसे विंटर सेशन में एक बार फिर से प्रपोज करेंगे। तो अभी प्रपोज करेंगे तो न्यूज आ जाएगी, पास करेंगे तो भी न्यूज आ जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो इसको प्रपोज किया गया इस विंटर सेशन में, ना इसके बारे में कोई न्यूज आई है, मैंने इसको चेक कर लिया है। तो जो 2019 में ये आया था उसको मैंने यहां पे रख लिया है इस बिल को। हालांकि जो जानकारी इसमें मैंने आपको दी है वो जुलाई में जो आर्टिकल आया था 2022 के, उसी आर्टिकल से मैंने ये जानकारी यहां पे निकाली है। विंटर सेशन में जो भी आएगा जानते रहो आप, चूंकि एसोसिएटेड है प्रेस की फ्रीडम से। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल, इसके जरिए ब्रिटिश एरा का जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है उसे रिप्लेस करने की प्लानिंग की जा रही है, जो प्रेस और न्यूज़पेपर जो कंट्री में है उनको रेगुलेट करता है। ऐसा करने के बाद कहीं ना कहीं कि जो न्यूज मीडिया के कुछ सेगमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के कंट्रोल में आ जाएंगे। एक बार ये पार्लियामेंट से पास हो जाए तो जो डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं उन्हें खुद को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास इस बिल के इफेक्टिव होने के, कानून के बन जाने के 90 डेज के भीतर रजिस्टर करना पड़ जाएगा। कुछ न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो केवल वेब पोर्टल्स के फॉर्म में काम करते हैं, उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, उन्हें अभी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो मीडिया हाउसेस है उन्हें तो खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन आपने एक वेबसाइट बना ली है, आप भी बना सकते हो वेबसाइट, ठीक है, यू कैन हैव योर ओन वेबसाइट, और आप उस वेबसाइट पे न्यूज पब्लिश करना शुरू कर दो। आपको कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, आप न्यूज पब्लिश करो, आपकी वेबसाइट हो जाएगी पॉपुलर। आपकी वेबसाइट के पॉपुलर होने के कई सारे तरीके होते हैं, आप उन तरीकों का इस्तेमाल करिए। पहले बड़ी मुश्किल होती थी, मतलब कुछ मेरे मित्रजन हैं जो ऐसे वेब पोर्टल्स चलाते हैं, तो पहले बड़ी मुश्किल होती थी, जैसे आपने कुछ लिखा भी तो इतनी वेबसाइट हैं, आपकी वेबसाइट क्यों सरफेस होगी। तो वो मुझे कुछ तरीके बताते रहते हैं कि कैसे जो वेब पोर्टल्स हैं या वेब पेजेस हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक साल पहले वो तो बड़ा महंगा होता है, लाइक उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो एक इंडिविजुअल नहीं कर पाता है, टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, पैसे खर्च होते हैं। एक साल पहले गूगल वेब स्टोरी का ऑप्शन आ गया जहाँ पे आप वेब स्टोरी बना सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाते हो, और वो जो वेब स्टोरीज होती हैं वो फ्रीली सर्कुलेट होती हैं पूरी दुनिया में, तो मतलब वो गूगल सर्कुलेट करता है। अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग वेब स्टोरी बनाई है किसी बर्निंग इशू के ऊपर तो वो कहीं भी सर्कुलेट हो सकती है। अगर आप यूएस के मुद्दे पर कोई वेब स्टोरी बना रहे हो तो यूएस में सर्कुलेट होगी और आपका आर्टिकल यूएस में पढ़ा जाएगा। तो कुछ लोग इंडिया में बैठ के यूएस के ऑडियंस को टारगेट करते हैं और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट पे, दे अर्न वेल, बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है उनको। तो मतलब कहने का यह है कि आप कोई भी वेबसाइट वगैरह चला सकते हो, न्यूज पोर्टल चला सकते हो, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जरिए आपकी वेबसाइट हो गई पॉपुलर और आप कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, गलत है ना? आप एक मीडिया हाउस की तरह काम कर रहे हो तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। तो उन्हें प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास 90 डेज के भीतर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंटिटी के पास पावर होगी कि वो इनके डिजिटल पब्लिकेशंस के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं, पेनल्टीज भी लगा सकते हैं अगर वो न्यूज पोर्टल जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करता। तो 2019 का जो ड्राफ्ट बिल था उसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल न्यूज मीडिया एंटिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो डिजिटली काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट डिजिटल न्यूज मीडिया एंटिटीज जो बहुत पॉपुलर है। ललन टॉप भी पहले ऐसे ही शुरू हुआ था ना, एक वेब पोर्टल के थ्रू, बाद में वो यूट्यूब चैनल पे आया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में चले गए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं ना। आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो रूल्स हैं इनको अथॉरिटीज के द्वारा सेक्शन 87 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके ड्राफ्ट किया गया है आईटी एक्ट ऑफ 2000 का। ये बनने के बाद, मतलब इंप्लीमेंट हो चुका है, तो उसके बाद इसने इसके पहले का जो कानून था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011 उसको रिप्लेस कर दिया। तो चाहे इस कानून के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। न्यू रूल्स के फीचर्स क्या हैं? ये कहता है कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनके पास एक प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। दे मस्ट हैव अ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है उस मीडिया हाउस से, मैं कहां जाऊं, वेयर कैन आई गो, तो मैं इनके सिस्टम को फॉलो कर सकता हूं। ये कंट्री के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं
और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उन दोनों के ऊपर ही लागू होता है। डिजिटल पोर्टल्स जो मीडिया की तरह काम करते हैं और इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, और OTT प्लेटफॉर्म जो हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बड़ा क्वेश्चन रेज किया जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं, बहुत ऑब्जेक्शनेबल जो इंसिडेंट्स हैं, सीन्स हैं, उनको दिखाते हैं, और ये कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाया है। मेन स्ट्रीम जो मूवीज वगैरह आपके सामने आती है उनके ऊपर सेंसरशिप होती है, तो वो भी ये कर नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी फ्रीडम ले रखी है। ये भी एक कारण है कि बहुत पॉपुलर हुए हैं, बहुत पॉपुलर हुए हैं, लोग इनको ज्यादा क्रिएटिव होने की विंडो मिल गई, क्रिएटिव फ्रीडम इनको ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम में इनके क्या है, इनकी क्रिएटिव फ्रीडम में अब्यूज है, अब्यूजिंग वर्ड्स हैं, न्यूडिटी है, ऑब्सीन कंटेंट है, जो इनके क्रिएटिव फ्रीडम का पार्ट है, और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस प्रकार की क्रिएटिव फ्रीडम को पसंद करती है, तभी तो ये पॉपुलर है, नहीं तो पॉपुलर क्यों होते। लेकिन इनके ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होने चाहिए। अब जब रेगुलेशन होगा तो इनकी क्रिएटिव फ्रीडम कर्टेल होगी, लेकिन कंटेंट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इनके ऊपर कुछ कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की बात की गई। जो वाइटल सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो सोशल मीडिया से डिससेटिस्फाइड हैं, आप फेसबुक से डिससेटिस्फाइड हैं, जो वहां पे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से डिससेटिस्फाइड हैं, आप कहां जाओगे? आपके पास भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपने यहां अपॉइंट करना पड़ेगा, जो इस कानून के प्रोविजंस को कंप्लाई करेगा। फर्दर उनके पास होगा एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है आपको पता होगा, अगर आपको उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिक्कत है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। फर्दर वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ लगातार कम्युनिकेट करेगा और 24/7 अवेलेबल रहेगा। सिंपली 24 hours a day, 7 days a week, इतना डिटेल लिखने की जरूरत है नहीं, 24/7 लिखिए, वो 24/7 अवेलेबल रहेगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए वैसे ऐसे, एक व्यक्ति को 24/7 आप अवेलेबल कैसे करवा दोगे? इसके अलावा जो ग्रीवांस ऑफिसर होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी के पास अपने सोशल मीडिया ग्रीवांस ऑफिसर्स होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर कोई भी ग्रीवांस उनके पास आता है तो उसे 24 आवर्स के विदिन रजिस्टर किया जाए और 15 दिनों के भीतर रिजॉल्व किया जाए। दैट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। कंटेंट रिमूवल का एक प्रोविजन किया गया है, जिस पर सोशल मीडिया ने काफी, मतलब जो प्लेटफॉर्म्स उन्होंने कंसर्न रेस किए थे कि हम इतना जल्दी ये कैसे कर पाएंगे, बट वो जरूरी है। अगर कोई कंप्लेन ऐसी आती है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करके दिखाया गया हो, न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट, इंपर्सोनेशन का मतलब होता है कि पर्सन कोई और है लेकिन उसे किसी और पर्सन के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है, इंपर्सोनेशन वाले फेक वीडियोस वायरल कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत ही कॉमन है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोई भी ऑब्सीन कंटेंट है उसमें फेस किसी और का रहेगा, मतलब वहां पे किसी और का फेस ऐड कर दिया जाएगा अलग बॉडी के साथ, और इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया जाएगा उस व्यक्ति की डिग्निटी को हर्ट करने के लिए, तो इसे इंपर्सोनेशन कहा जाता है। ऐसा कंटेंट जो एक यूजर की डिग्निटी को हर्ट करता है, इसमें ज्यादा वल्नरेबल कौन होंगी? वुमेन इसमें ज्यादा वल्नरेबल होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसी वीडियोस जाती हैं, ऐसा कंटेंट जाता है, तो उसे उन्हें विद इन 24 आवर्स रिमूव करना होगा। कंटेंट रिमूवल का ये जो प्रोविजन है, ये बहुत ही स्ट्रांग है इस कानून में, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, ये ऑफकोर्स होना चाहिए। हालांकि प्लेटफॉर्म्स ने कंसर्न रेज किए थे कि हम 24 आवर्स के भीतर कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, आपने इतना बड़ा टेक प्लेटफॉर्म बना रखा है, इसकी व्यवस्था आप देखिए कैसे करेंगे। सर, POSCO के अंदर भी कुछ रेगुलेट नहीं होता? वो तो डिफरेंट डोमेन है, उसमें तो एक इंडिविजुअल होगा ना जिसको ट्रेस किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा, अगर जो सेक्सुअल वायलेंस का केस आता है माइनर्स के अगेंस्ट में, POSCO तो उस रेफरेंस में यूज होता है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो उस मामले में जो पर्सन होगा उसको डील किया जाएगा। पहले आप कंटेंट तो हटाओ, यहां पे कंटेंट हटाने की बात चल रही है, प्राइमरी रेमेडी दो पहले आप, उसके बाद देखो ये किया किसने है, उसे पकड़ो, उसे पनिश करो, सब बाद का मामला है, पहले उस पर्सन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो,
उसे पब्लिक डोमेन से रिमूव करो, हटाओ उसको, ठीक है। बस यही सब आएगा या फिर इसमें वो जो हेट स्पीच और जो वायलेंस, सब कुछ आएगा, सब कुछ। नॉर्मल कंटेंट 15 डेज, ये सब 15 दिन के भीतर हटाना होगा। बट नॉर्मल में आएगा सर, अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा, मान लीजिए राइट्स चल रहे हैं, ठीक है, और उसके रेफरेंस में कुछ आ रहा है, तो बोल सकते हैं 24 आवर्स आप हटाइए, ठीक है। और मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो तब तो ठीक है, नॉर्मल है, दो चार दिन पड़ा रह गया, लोग वैसे भी करते रहते, हटा देना बाद में। सर अभी सर ये कल का न्यूज़ है सर, इथियोपिया के एक आदमी ने $2 बिलियन का मेटा के खिलाफ सर, ये फेसबुक या मेटा के खिलाफ सर केस किया है, क्योंकि उसके फादर का डेथ हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। इथियोपिया में जो वार चल रहा था टिग्रे रीजन में, सोशल मीडिया ने उसको प्रमोट किया वहाँ पे जो हेट हो रहा था, और सर विसल ब्लो किया। एक यूएस की भी एक लेडी थी जो उसमें काम कर रही थी, उसने भी विसल ब्लो किया कि हाँ जो एल्गोरिथम है फेसबुक का वो प्रमोट करता है हेट स्पीच को। सर हम लोग क्राइस्ट चर्च वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी देखे थे कि उसको अलाउ किया गया था। पब्लिक डोमेन में किसी को भी आप सू कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच है वो उनके नॉर्मल एल्गोरिदम में होता है, किसी भी कोई चीज जो प्रमोट हो रही होती है वो उसको और प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया का ये फंडामेंटल रूल है। जो चीज यूट्यूब भी ऐसे ही काम करता है, अगर उसने बोला कि मैंने रिपोर्ट किया था बट सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया उसके लिए, अरे वो तो बेकार सा फालतू सा लड़का था। कुछ लोग होते ना क्रांतिकारी टाइप के, अरे तुमने खोला क्यों भाई, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम पढ़ो शांति से। वो YouTube वीडियो देख रहे थे, उनको कुछ और दिख गया, तो उन्होंने खोल के उसको देख लिया, तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो पढ़ नहीं पाए, वो फेल हो गए। और कोर्ट में भी चले गए, मतलब इतनी हिम्मत तो देखो। लड़के पे फाइन लगाया कि तुम मतलब कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आए हो, कोर्ट को यही काम रह गया है कि वो देखे कि तुम YouTube पे कौन सा ऐड ओपन करने वाले हो। भाई हर वीडियो पे ऐड आता है, उस पे स्किप करने का ऑप्शन होता है, या 30 सेकंड वेट कर लो, जीवन में इतना धैर्य रखो, या तो फिर पैसे दे दो YouTube वाले को ऐड ना दिखाए तुमको। उसने केस किया था कि उसका एग्जाम चल रहा था और उसने YouTube पर वो देख के पढ़ रहा था, YouTube पर एडवर्टीजमेंट आया जो इनअप्रोप्रिएट था, और उसका मन कर गया, उसने उसको खोल दिया, तो उसने उस एडवर्टीजमेंट को खोला, जिसके बाद उसने कुछ और सर्च किया होगा, और उसके बाद उसका पढ़ने मन नहीं लगा, अगले दिन उसका एग्जाम था, वो एग्जाम में गया और वो फेल हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी YouTube की है, YouTube ने उसे ऐसा एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाया, अब YouTube उसको कंपनसेट करे। तो कोर्ट ने उसी के ऊपर फाइन लगा दिया कि समय पर बात करने के लिए आए हो। खैर ये तो एंटरटेनिंग इश्यूज हैं, बट ये कंसर्निंग इशू है कि हाँ YouTube सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म वो हेट स्पीच के एल्गोरिदम्स को प्रमोट करते हैं, दैट्स ट्रू। समथिंग दैट इज बीइंग वायरल उसे प्लेटफॉर्म्स और वायरल करते हैं, उनका एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। अब वहां पे उन्हें मैन्युअली इंटरवीन करना पड़ेगा, उन्हें चेक करना पड़ेगा, इनफैक्ट उन्हें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि आप इस प्रकार की चीजों को प्रमोट ना करें। टाइमली इंटरवेंशन जब ये जरूरी है, हर जगह हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन कहीं पर अगर वायलेंस चल रहा है और उस वायलेंस के रेफरेंस में समथिंग इज बीइंग स्प्रेड, तो आप उसे रोकिए। बहुत लिमिटेड जगहों पे वायलेंस चल रहा होता है, हर जगह थोड़ी चल रहा है, गिनती के मतलब प्लेसेस हैं जहां पर वायलेंस चल रहे होते हैं, राइट्स चल रहे होते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। सोशल मीडिया को एक्टिव हो जाना चाहिए ऐसे प्लेसेस में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नाउ ठीक है, इसके अलावा उन्हें एक मंथली रिपोर्ट भी पब्लिश करनी पड़ेगी, जहां पे वो ये बताएंगे कि उनको कितनी कंप्लेन मिली थी, उन्होंने कितनी रिड्रेस करी है, कितने टाइम में, ये पूरा उन्होंने रेमेडी का स्टेटस क्या है वो सब वो बताएंगे। तो काफी रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ये बनाएंगे, जिसको हेड किया जाएगा या तो एक रिटायर्ड जज के द्वारा या किसी भी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन के द्वारा, जो देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन और जो ओवरसाइट होगी वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की होगी। मतलब ये जो आपकी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है ये सही से काम कर रही है कि नहीं, इसको ओवरसी किया जाएगा इनके द्वारा, अल्टीमेट ओवरसाइट इनकी होगी। और देखेंगे कि जो कोर्ट्स हैं उनको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं ग्रीवांस कमेटी के द्वारा, ये सारी चीजें ये देखते रहेंगे। तो ये तो काफी सिग्निफिकेंट रूल्स हैं जो अभी तक बनाए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। सब्सक्राइबर बेस, हाँ, जो माइनर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए नहीं है, बड़े प्लेटफॉर्म्स को ही टारगेट ही किया गया है इसमें, जिनकी स्ट्रेंथ है, जिनकी रीच है।
ओवरऑल सिग्निफिकेंस, हम नए रूल की बात कर रहे हैं। इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं उनको अपनी कंप्लेन रेज करने के लिए एक मौका मिल गया, एक वॉइस दे दी गई। नहीं, अभी तक आप कुछ कर ही नहीं पाते थे, फेसबुक पे कुछ भी स्प्रेड हो रहा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन कंप्लेन, यू कैन कंप्लेन। कुछ लोग बहुत इनसेंसिटिव होते हैं व्हाट एवर दे आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, और ऐसा करते वक्त कुछ चीजों को वो बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ चीजों में आपको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और कुछ चीजों में आपको नैरो माइंडेड होना चाहिए। कुछ चीजों में आपको सच में नैरो माइंडेड होना चाहिए, जैसे कुछ लोग हिंदू मुस्लिम पोस्ट करते रहते हैं, यहां पर एक्चुअली में आपको नैरो माइंडेड होने की जरूरत है। नैरो माइंडेड मैं किस सेंस में कह रहा हूं, नैरो माइंडेड इस सेंस में होने की जरूरत है कि अगर आप हिंदू हैं मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम हैं हिंदू के अगेंस्ट में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ज्यादा मत सोचिए, हिंदू मुसलमान कम्युनल हारमोनी इतना मत सोचिए, बस आप इतना सोचिए कि आपका कोई मुसलमान दोस्त होगा, आपका कोई हिंदू दोस्त होगा और वो आपका पोस्ट पढ़ेगा, एंड हाउ ही और शी विल फील जब वो आपसे ये पोस्ट पढ़ेगा। आप सिर्फ इतना सोच लेंगे, आप ऐसा कभी भी कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। इंडिविजुअली मैंने आज तक कभी ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया, शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप लोगों के भी होंगे, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको बस इतना ही सोचना है और आप इस प्रकार की स्पीचेस से बच जाएंगे। कुछ लोग ऐसा नहीं सोच पाते, कुछ लोग ऐसा नहीं सोच पाते, और मैंने अपने आसपास कई सारे लोगों को इस बात के ऊपर शर्मिंदा भी किया, उसके बाद उन्होंने ऐसा करना बंद भी कर दिया। मैंने सिंपली उनको मैसेज किया कि आपने ये क्या पोस्ट करते वक्त मेरा ख्याल किया था कि ये पोस्ट मेरे तक भी आएगा एंड आई विल रीड इट, क्या ये पोस्ट लिखते वक्त आपके दिमाग में मैं आया था कि नहीं आया था, क्योंकि मेरे सामने जब भी कुछ ऐसा आता है तो मेरे दिमाग में आप आते हैं। तो वो बहुत शर्मिंदा हुए, उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने वैसा पोस्ट दोबारा नहीं किया। तो आप ऐसा करके किसी को, अगर आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो एक्चुअली में आपकी केयर करता है, तो आपको बस इतना ही सोचना होता है, इससे ज्यादा दुनिया में क्या सोचोगे आप। ये सारी चीजें ना इतनी सी चीजों से रिजॉल्व हो जाती है, इतना ही कोई सोच नहीं पाता, आपको इतना ही सोचना होता है। नाउ इस पूरे कानून में एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है सेक्सुअल ऑफेंस के ऊपर, जो सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट होता है, इसे रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, जिसके जरिए वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स, इस बात पर जोर दिया गया कि जो भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें, और जो सोशल मीडिया उसको होस्ट कर रहा है, उन्हें कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन एंड डोमेस्टिक लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। हमने आपके लिए कानून बनाया है और आपको वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। आप अमेरिका के हैं, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहां से रन कर रहे हैं, अमेरिका से, ईरान से, रशिया से, वी डोंट केयर, आप यहां पे रन कर रहे हैं, यहां कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो गाइडलाइंस हैं इनको इंप्लीमेंट करने के बाद इंडिया उन कुछ कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो गया है जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करते हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं कि डिजिटल मीडिया कैसे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इन नए रूल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, ये तो फ्रीडम जो प्रेस की है उसके पूरे मामले को हमने डिस्कस कर लिया। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के खिलाफ होगा। हाँ हाँ, सभी के अपने ऑफिस होते हैं इंडिया में, जैसे आपको YouTube इंडिया मिलेगा, Twitter इंडिया मिलेगा, ये सभी के ऑफिस इंडिया में हैं, तो हम सीधा उन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं ना, उन्हीं को बुलाते भी हैं, उन्हीं को धमकाते भी हैं, और कई बार उनके जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो भी इंडियंस ही होते हैं, तो हमें उन्हें ही बुला के धमकाना होता है कि ये कानून बनाए उसको अच्छे से फॉलो कर ले। ठीक है, बड़ी एग्जाम्पल लीजिएगा, अब ये लड़के वाला एग्जाम्पल मत लीजिएगा। हाँ, वो आप ले सकते हो, कोई भी जो मतलब सिग्निफिकेंट और बड़ा, मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए ओवरऑल बता रहा हूं, जब भी कोई आप एग्जाम्पल लीजिएगा वो नेशनल लेवल का लीजिएगा या इंटरनेशनल लेवल का लीजिएगा, जो सिग्निफिकेंट हो, बहुत पेटी एग्जाम्पल मत लीजिएगा।
ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा जो हाईलाइटेड हो, जो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए, नहीं उसको भी लगे कि ये सच में हुआ था। हेट स्पीच, हेट स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले पे। हेट स्पीच बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि हेट स्पीच क्या है ये समझ में नहीं आता। समथिंग कैन बी हेट स्पीच फॉर यू एंड नॉट फॉर मी, समथिंग कैन बी हेट स्पीच फॉर मी बट नॉट फॉर यू। तो हेट स्पीच का मामला बड़ा ग्रेव है। हेट स्पीच, हेट स्पीच को कैसे डिफाइन करें? वैसे तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन हेट स्पीच की है नहीं, बट एक जनरल डेफिनेशन ड्रॉ की जा सकती है हेट स्पीच की, जहां पे ये कहा जाता है कि हेट स्पीच एक एफर्ट होता है जहां पे आप किसी एक इंडिविजुअल को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हैं किसी ग्रुप का मेंबर होने के नाते। सर, जस्ट बिकॉज वो किसी एक ग्रुप का मेंबर है आप उसके अगेंस्ट में कोई बात कर रहे होते हैं, कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति है, कोई अपर कास्ट इंडिविजुअल है सो कॉल्ड तरीके से, वो दलित कम्युनिटी के व्यक्ति के खिलाफ कुछ कह रहा है, दलित कम्युनिटी का व्यक्ति किसी अपर कास्ट इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ कह रहा है, कोई हिंदू को किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ कह रहा है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ कुछ कह रहा है, दैट विल काउंट एज हेट स्पीच, जिसके जरिए आप उस ग्रुप के मेंबर को डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं मेजोरिटी ऑफ द लोगों की आइज में, और आप उसे अटैक के लिए वल्नरेबल बना देते हैं कि उसके ऊपर अटैक किया जाए किसी भी फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, आप उसे वल्नरेबिलिटी में डाल देते हैं। ऐसी स्पीचेस को हेट स्पीच कहा जाता है। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है। आप किसी के खिलाफ भला बुरा कह रहे हैं और फिर वो टारगेट बनना शुरू हो जाता है बाकी लोगों का भी। तो ये तो जनरल सा मतलब हो गया हेट स्पीच का। मेजोरिटी सभी लोगों की आइज में, या जिस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसकी काउंटर कम्युनिटी की आइज में। जैसे मान लीजिए आप दलित कम्युनिटी के टारगेट कर रहे हो तो जो अपर कास्ट इंडिविजुअल हैं उनकी आइज में, अगर दलित कम्युनिटी का व्यक्ति टारगेट कर रहा है अपर कास्ट इंडिविजुअल को तो दलित कम्युनिटी के लोगों की आइज में वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हो गए, जो उस कम्युनिटी से एग्जैक्टली बिलोंग करते हैं वो उसको टारगेट करने लग जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है हेट स्पीच को लेकर? हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है हेट स्पीच के बारे में? टीके विश्वनाथन कमेटी ने हेट स्पीच के ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑब्जर्व किया कि जो हेट स्पीच है इसमें हमें डीपर कंसिडरेशन की जरूरत है, ये मामला सीरियस है। मतलब हेट स्पीच नॉर्मल सी बात नहीं है कि हाँ ठीक है कोई कुछ भी बोल सकता है क्या हो गया, यू कैन नॉट टेक इट इन अ कैजुअल अप्रोच। हेट स्पीच बहुत ही गंभीर मामला है इंडिया के फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, बहुत गंभीर मामला है और यहां पे डीपर कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। लॉ कमीशन ने इस संबंध में एक रिपोर्ट पब्लिश की और टीके विश्वनाथन कमेटी को बनाया गया। टीके विश्वनाथन फंडामेंटली एक कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंसिडरेशन में यह बोला कि यहां पर जरूरी है कि हम डीपली इसको रिजॉल्व करें, अच्छे से इस पर कंसिडरेशन करें। लॉ कमीशन ने इस मामले को उठाया, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया हेट स्पीच के ऊपर, और उसी रिपोर्ट को बेसिस बनाकर टीके विश्वनाथन कमेटी को फॉर्म किया गया, जिसका काम था कि वो गवर्नमेंट को असिस्ट करें कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके, ऐसा फ्रेमवर्क जिसके जरिए हम साइबर क्राइम्स जो हेट स्पीच से रिलेटेड हैं उनको एग्जामिन कर सकें, उन्हें काउंटर कर सकें और लॉ कमीशन की रिपोर्ट को एग्जामिन कर सकें। ठीक है, तो हेट स्पीच के ऊपर टीके विश्वनाथन कमेटी को यह काम दिया गया। आर्टिकल 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं फ्री स्पीच के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर और ऑफेंस को इंसाइट करना, कुछ और भी हैं, लेकिन हेट स्पीच रिलेटेड ये दो चीजें आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा सकता जो पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ता हो या ऑफेंस को इंसाइट करता हो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो हेट स्पीच है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन में ही आता है, मतलब इसे रोका जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी स्पीच को रोकने को अलाउ करता है, हेट स्पीच काउंटर होता है आर्टिकल 19 में ही। आईपीसी सेक्शन 295 क्लॉज ए है, जहां पर कहा गया है कि कोई भी वर्ड्स या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी और जो किसी रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट करता हो उसे पनिश किया जाएगा, और हेट स्पीच जब भी लाई जाती है रिलीजन उसमें एक सेंटर में आ ही जाता है। मतलब इस कानून का इस्तेमाल करके भी हम हेट स्पीच को रोक सकते हैं। तो आर्टिकल 19 में भी हेट स्पीच को रोकने का प्रावधान है, प्रोविजन है, और आईपीसी के सेक्शन 295 क्लॉज ए में भी हेट स्पीच को काउंटर करने के प्रोविजन है। तो हेट स्पीच एक बहुत ही सीरियस इशू है इंडिया के लिए।
जो कमेटी थी दैट इज टी के विश्वनाथन कमेटी, इन्होंने क्या बोला, क्या होना चाहिए इंडिया में, हम कैसे क्या करें कि जो हेट स्पीच है हम उसे रोक पाए, काउंटर कर पाए। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें आईपीसी के प्रोविजंस में चेंज करना होगा, आईटी एक्ट में नहीं। हम बात बात पे आईटी एक्ट अमेंड करने लग जाते हैं, आईटी एक्ट अमेंड कर दो ये नहीं होगा, आईटी एक्ट अमेंड कर दो वो नहीं होगा। ये कहते हैं आईटी एक्ट पे फोकस मत करो, आप आईपीसी पे फोकस करो, यू नीड टू चेंज आईपीसी। आप यहां पे कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन ऐड करो, क्योंकि जो प्राइमरी मामला है वो ई कॉमर्स रेगुलेशन है। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का जो मेन काम है वो ई कॉमर्स का रेगुलेशन है, हेट स्पीच रोकना आईटी एक्ट का काम नहीं है। आईटी एक्ट को उसका काम करने दीजिए, आपको हेट स्पीच रोकना है तो आप आईपीसी में चेंजेस करिए, ये इन्होंने कहा। दूसरा, सेक्शन 78 जो आईटी एक्ट का है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है, आप उस पर फोकस करिए, आप उनके ऑफिसर्स को इतना एम्पावर्ड बनाइए, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्टीज दीजिए, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की जानकारी दीजिए कि अगर हेट स्पीच का कोई मामला उनके डोमेन में आता है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर आईटी एक्ट पे आपको फोकस करना ही है तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करिए ना, जो उसमें प्रावधान ही है, उसमें प्रोविजन है सेक्शन 78 इसीलिए है कि आप जो उनके ऑफिसर्स उनको एम्पावर करेंगे तो उस पर काम करिए ना, उनको एम्पावर करिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट करिए, सीआरपीसी में उन्होंने अमेंडमेंट रिकमेंड किया और कहा कि स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम सेल्स बनाई जानी चाहिए जो ऐसे साइबर क्राइम जो हेट स्पीच से रिलेटेड है उनको रोक सकें। यह भी कहा गया कि जो ऑफेंसिव स्पीच है उसे सही तरीके से डिफाइन किया जाए। क्या मतलब होगा ऑफेंसिव स्पीच का? ऑफेंसिव स्पीच ऐसी स्पीच होगी जो इंजरी को कॉज करती हो या उसका फियर जनरेट करती हो या एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करती हो। गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, कई बार तो वही प्रोविजंस को मिसयूज कर रहे होते हैं, कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस प्रकार के कानूनों के प्रोविजंस को मिसयूज ना करें, इसके लिए भी आपको प्रॉपर सेटअप बनाना होगा। तो ये तो इस कमेटी के ऑब्जर्वेशंस थे। कंसर्न क्या रेज किए जाते हैं, लॉ कमीशन जब इवेल्युएट कर रहा था हेट स्पीच का मामला तो लॉ कमीशन ने काम बड़े अच्छे से शुरू किया, दे स्टार्टेड देयर वर्क वेरी वेल। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि जो व्यक्ति ये स्पीच दे रहा है उसका स्टेटस क्या है, जो पर्सन इन स्पीच का विक्टिम है उसका स्टेटस क्या है, इस स्पीच का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है और ऐसे कौन से प्रोविजंस होंगे, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम किसी स्पीच को हेट स्पीच कहेंगे। और जब वो लोग ये सारा इवेल्युएशन कर रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था आप कुछ बढ़िया निकल के आएगा, ये लोग तो एकदम डीप में जाके एकदम एक एक चीज इवेल्युएट कर रहे हैं। और जब उन्होंने सब कुछ इवेल्युएट कर लिया तब उन्होंने जो लिखा वो था कि कोई भी स्पीच हेट स्पीच होगी अगर वो हाईली डिस्पार्ज्ड हो, इंडिसेंट हो, एब्यूजिव हो, इन्फ्लेमेटरी हो, फाल्स हो या ग्रॉसली ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हेट स्पीच क्या हो, मतलब जब इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू की, जब ये इवेल्युएट कर रहे थे लग रहा था अब आज तो क्लियर करके ही मानेंगे कि हेट स्पीच क्या है, लेकिन जब उन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया तो उन्होंने वैसे ही वेग वर्ड्स यूज किए जैसे इसके पहले सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था उसमें हुआ करता था, जिसे अभी तो खत्म कर दिया गया है, इसे श्रेया सिंघल केस में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सेक्शन 66A को आईटी एक्ट के, 2015 में इसको हटाया गया था आईटी एक्ट के इस प्रोविजन को। तो जब इन्होंने बात करनी शुरू की तो हमको लगा कि लोग बहुत बढ़िया लिखने वाले हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये वही करके निकल गया जो इसके पहले था, इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया ही नहीं कि हेट स्पीच एग्जैक्टली क्या है। और अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हेट स्पीच की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए किसी भी स्पीच को हेट स्पीच डिक्लेयर कर दिया जाता है और किसी भी स्पीच को हेट स्पीच के एम्बिट के बाहर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट मशीनरी उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, उन्हें लगता है कि इसको हेट स्पीच में बुक करना है तो बुक कर देंगे, लगेगा इसको छोड़ देना है तो छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हेट स्पीच का पूरा जो मामला था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है।